हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। देखिए, जब भी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, यानी कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं और उसका एक पार्ट पढ़ते हैं आइकनोग्राफी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या पढ़ते हैं, हम इमारतों के बारे में पढ़ते हैं, बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आइकनोग्राफी में हम मूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो शिव की मूर्तियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, शिव की बहुत सारी लोकप्रिय प्रतिमाएँ हैं। शिव का एक रूप है त्रिपुरांतक प्रतिमा, ठीक है। जब भी त्रिपुरांतक प्रतिमा की बात होगी तो उसकी ध्यान रखिएगा, त्रिपुरांतक प्रतिमा में शिव के चार चतुर्भुज शिव की प्रतिमा होगी, इसमें उसमें शिव की चार भुजाएं होंगी। जब भी अर्धनारीश्वर प्रतिमा की बात होगी, जिसमें शिव आधे नारी हैं, ठीक है, और आधे पुरुष हैं, तो ये भी मतलब वो आधा पार्ट शिव का होगा, आधा पार्ट पार्वती का होगा, यानी शिव पार्वती को मिलाकर बना अर्धनारीश्वर। फिर आपकी होगी हरिहर की प्रतिमा। हरि मतलब आपका विष्णु और हर मतलब आपका शिव। तो मतलब विष्णु और शिव की जो मूर्ति संयुक्त रूप से बनाई जाएगी, जिसमें दोनों एक साथ, एक मुंह शिव का और एक मुंह विष्णु का, तो वो कही जाएगी हरिहर की प्रतिमा। फिर आपकी आएगी त्रिदेव की प्रतिमा। तो त्रिदेव का तो सब कॉमन पता ही है आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला के एक बॉडी होगी, उसमें तीन सर होंगे, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक महेश का, महेश यानी शिव का। इसको कहेंगे क्या, कहेंगे इसको त्रिमूर्ति, ठीक है। फिर आपकी आएगी दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा। तो जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है, ये बेसिकली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। और इसको कहा, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सार्वभौमिक शिक्षक को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो दक्षिणा मूर्ति है शिव की प्रतिमा, वो सार्वभौमिक शिक्षक का रूप रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली ये प्रतिमा साउथ में फेमस है। फिर आपकी आएगी कल्याण सुंदर प्रतिमा। कल्याण सुंदर के नाम से ही पता चलता है कि किस बारे में बात हो रही होगी। कल्याण सुंदर मतलब शिव का, जो शिव और पार्वती का विवाह था, तो जो उनकी विवाह प्रतिमा बनाई गई उसको कहा गया कल्याण सुंदर प्रतिमा। उसमें शिव के थाईस पर यानी जंघाओं पर पार्वती बैठी होंगी और उन्होंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कभी भी म्यूजियम में जाके। फिर देखिए, आपकी एक भिक्षाटन प्रतिमा आती है, भी शिव की प्रतिमा है। इसमें जो शिव है, ये भिक्षा मांगते हुए योगी के रूप में दर्शाए गए। फिर आपकी आती है नटराज की प्रतिमा, जो प्रलयकारी रौद्र तांडव जो है ना, और जो आनंद तांडव है, मतलब जब आप नटराज की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिव डांस कर रहे हैं और उनके चारों तरफ ऐसे एक फ्लेम्स बनाई गई है, क्या निकली है, अग्नि की ज्वाला निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रौद्र तांडव है, आनंद तांडव है, इसको ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये शिव की जितनी सारी प्रतिमा थी, ये थी। साथ में एक और प्रतिमा आएगी, रावणा अनुग्रह प्रतिमा। उसमें क्या है कि रावण जो है ना, वो शिव से अनुग्रह करते हुए दिखाए गए, शिव कैलाश पर बैठे हुए दिखाए गए, रावण को नीचे बनाया गया है, इसको बोला जाएगा रावणानुग्रह प्रतिमा। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।